अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद शाहिद गिलानी फ्रॉम एडमायर कॉलेज। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले 11th लेक्चर्स तक हम लोग अपनी टर्म्स को पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टर्म को देखते हैं, डेटर और अकाउंट रिसीवेबल। स्टूडेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल और डेटर के वर्ड को हम करंट एसेट में डिस्कस कर चुके हैं। करंट एसेट्स में हमने पढ़ा था वो असासाजात जो कैश की शक्ल में हो या कैश में तब्दील हो जाए। वहां हमने एक वर्ड पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल, जिन लोगों से हमें पैसा वसूल करना है। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्यों वसूल करना है, वो क्या रीजन है, पैसा क्यों वसूल करना है। इन अ बिजनेस व्हेन गुड्स आर सोल्ड, कारोबार में जब अशिया फरोख्त की जाती हैं और रेंडरिंग सर्विसेज या अशिया मुहैया की जाती हैं टू पर्सन, किसी शख्स को, फर्म को और ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑन क्रेडिट बेसिस कॉल्ड डेटर ऑफ बिजनेस। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी क्रेडिट बेसिस पर कोई चीज फरोख्त की जाएगी या सर्विसेज दी जाएंगी तो हमेशा अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होंगे। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है पैसा बाद में वसूल करना। स्टूडेंट्स, अब इसकी एग्जांपल्स हैं, सोल्ड गुड्स टू अली रुपीज 50,000। स्टूडेंट, ये एक एग्जांपल है, ये ट्रांजैक्शन है कारोबार की। अशिया फरोख्त की हैं किसको, अली को, कितनी रुपीज 50,000। स्टूडेंट्स, यहां जो वर्ड अली है, जो शख्स अली है वो हमारा डेटर है, वो हमारा डेटर है। डेटर मीन अली से हमें 50,000 बाद में वसूल करना है, वो चाहे 6 डेज के बाद हो, 7 डेज हो, आफ्टर 15 डेज हो, ये आपकी क्रेडिट की टर्म्स होती हैं। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अशिया मुहैया की टू माजिद ऑन क्रेडिट बेसिस। स्टूडेंट्स, ऊपर वाली एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की थी, नीचे जो हमारी सेकंड एग्जाम्पल है वो सर्विसेज बिजनेस की है। हमने सर्विसेज दी हैं किस शख्स को, माजिद को, किस बेस पर, क्रेडिट बेस पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो शख्स माजिद है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल समझा जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर दोनों का मतलब है कि इनसे पैसा हमने बाद में वसूल करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टर्म है क्रेडिटर और अकाउंट पेएबल। स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा है डेटर और रिसीवेबल। तो स्टूडेंट्स, कारोबार में पैसा वसूल भी किया जाता है और पैसा बाद में अदा भी किया जाता है। रिसीवेबल जिसके साथ भी यूज होगा, इट मींस हमने पैसा वसूल करना है। और यहाँ वर्ड है पेएबल। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, इन अ बिजनेस When goods are purchased from person, firm or an organization on credit basis called creditor of business. Students, याद रखिएगा, जब भी आप अशिया को खरीदेंगे किसी शख्स से, फर्म से या किसी ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से, किस बेसिस पर, उधार की बेसिस पर, क्रेडिट बेसिस पर, जब भी उधार पर गुड्स खरीदेंगे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, तो आपके क्रेडिटर जनरेट होंगे। क्रेडिटर का मतलब है आपको पैसा अदा करना है। और स्टूडेंट्स, ये हम पढ़ चुके थे इनिशियल लेवल पर, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का हमने पढ़ा था ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी, वो तमाम पैसा जो कारोबार के मालिक ने अदा करना है स्टूडेंट्स, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसकी ऑब्लिगेशन है, वो उसको अदा करना है। अब एग्जाम्पल्स, परचेज गुड्स फ्रॉम साजिद रुपीज 5,000। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है, ये ट्रांजेक्शन है कारोबार की। परचेज गुड्स, अशिया को खरीदा है किससे, साजिद से, रुपीज 5,000। आपको याद होगा मैंने आपको 3 आइडेंटिफिकेशन बताई थी, ऑन अकाउंट, ऑन क्रेडिट या नेम। इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा वर्ड तो ट्रांजैक्शन उधार की होगी। यहाँ नेम आया है पार्टी का तो ट्रांजैक्शन उधार है। इस मिसाल में जो शख्स साजिद है वो कारोबार का क्रेडिटर है, इसका मतलब है साजिद को पैसा अदा करना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट,
अब मैंने वर्ड चेंज किया स्टूडेंट्स, है वही चीज, यहां नेम था, यहां वर्ड ऑन अकाउंट, दोनों का मतलब सेम है। फ्रॉम बिलाल, बिलाल से अशिया खरीदी है 15,000 की उधार पर। ये जो वर्ड ऑन अकाउंट है, ये निशानी भी उधार को जाहिर करती है। तो इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स, बिलाल हमारा अकाउंट पेबल है, जिसका मतलब है बिलाल को 15,000 रुपया अदा करना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब टर्म है वर्ड पेबल। स्टूडेंट्स, बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज में आप सुनते होंगे, देखते होंगे पेबल्स। पेबल्स का मतलब है वो तमाम पैसा, चाहे शॉर्ट टर्म लेवल पे है या लॉन्ग टर्म लेवल पे है, कंपनी को बिजनेस को अदा करना है, वो सारा पैसा हमारा अदा वाजिबुल अदा में शुमार होता है, पेबल्स में शुमार होता है। अब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द टोटल अमाउंट विच इज टू बी पेड इन बिजनेस इज कॉल्ड पेबल्स। वो तमाम पैसा जो कारोबार के ओनर ने अदा करना है, वो तमाम अमाउंट्स, चाहे शॉर्ट टर्म लेवल पे या लॉन्ग टर्म लेवल पे, उसका टोटल सम पेबल्स कहलाएगा। यहां मैंने एग्जाम्पल्स कोट की हैं। हाशिर अकाउंट पेबल ₹30,000। हाशिर एक अकाउंट पेबल है, उसको आपने अदा करने हैं 30,000। वासिफ मोहसिन अकाउंट पेबल 20,000 एंड वासिफ अकाउंट पेबल ₹15,000। स्टूडेंट्स, तीनों के अमाउंट्स को हम प्लस करेंगे। एक शख्स को 30,000 देना है, एक शख्स को 20,000 देना है और एक शख्स को 15,000। स्टूडेंट्स, इन तीनों को जब हम सम करेंगे तो हमारा टोटल पेबल बनेगा 65,000, 65,000। हमने टोटल पैसा जो अदा करना है वो हमारा 65,000 है। रिसीवेबल्स, द टोटल अमाउंट विच इज टू बी रिसीव्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड रिसीवेबल। स्टूडेंट, रिसीवेबल का मतलब है कारोबार ने जितनी अमाउंट्स वसूल करनी है, शॉर्ट टर्म लेवल पे या लॉन्ग टर्म लेवल पे, वो सारी रिसीवेबल्स हैं। एग्जाम्पल्स, सलीम अकाउंट रिसीवेबल, सलीम से हमने लेना है 50,000। बासित अकाउंट रिसीवेबल, बासित से लेना है 20,000। शहबाज अकाउंट रिसीवेबल 30,000। स्टूडेंट्स, ये तीन लोग हैं जिनसे हमें पैसा वसूल करना है, एक से 50,000, एक से 20,000, एक से 30,000। तो तीनों को जब हम प्लस करेंगे, सम करेंगे स्टूडेंट्स, वो बनता है टोटल रिसीवेबल 1,00,000। स्टूडेंट्स, टोटल हमारा जो कारोबार ने अभी पैसा वसूल करना है डिफरेंट पर्सन से, वो टोटल रिसीवेबल है 1,00,000। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे रिसीवेबल्स। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।